गुड मॉर्निंग माई क्यूटीज, होप आप सभी सही होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल और वेलकम टू माई चैनल। सो गाइज, तबीयत अभी भी थोड़ी सी लो है और सोने पे सुहागा। मेरी जो माता, ये जो आपको दिख रही है, इनकी तबीयत भी खराब हो गई है आज सुबह सुबह, लेकिन मेरी मम्मी ने हिम्मत बहुत दिखाई है। मम्मी मम्मी पूरा नहा धो के, पूजा पाठ करके, सारी चीज करके अब दवाई लेकर आई है और मैंने चाय वाय दी है मम्मी को। अब मम्मी यहाँ पे अपना चाय नाश्ता कर रही है। मम्मी चाय पी लो भाई। डॉक्टर ने क्या बोला, बीपी लो आपका? मेरा बीपी लो होता है ना। हाँ, बुखार भी है, बीपी लो भी है। कोई बात नहीं, आप ये अपना चाय पानी पियो और फिर उसके बाद आप अपना ना मम्मी सो जाओ, कंबल तान कर, मैं काम कर दूंगी। तो ये ले लो ना, नमकीन यहाँ पे पड़ी है ये। गाइज, यहाँ मम्मी अपनी दवाइयाँ देख रही हैं सारी की सारी। मम्मी इतना पैर के दवाई कर दिया, मेरे को दवाई काम नहीं। सो गाइज, यहाँ मम्मी अपनी दवाइयाँ खा रही है। मेरी भी एक खुराक बच रखी है, मैं भी खाऊंगी वो अपने। लेकिन मैंने फिर भी सिर धो लिया क्योंकि आज शुक्रवार था ना, इसलिए। कोई बात नहीं मम्मी, पानी मत गिरा देना बेड पे। मम्मी क्या कर रहे हो? खिचड़ी बना रही हूं आज तो आपके बिल्कुल। आज तो आपकी बिल्कुल तबीयत लो लो हो रखी है। आपकी शक्ल ही ऐसी ऐसी होगी आज तो। सो गाइस, ये मम्मी ने दाल और चावल ऐसे भिगो के रख रखे हैं खिचड़ी के लिए। यहाँ मम्मी ने कुकर चढ़ा दिया, खिचड़ी बनेगी भी यहाँ पे है। मम्मी खिचड़ी खाने के लिए बोला डॉक्टर ने, कार्तिक का शेक बना दी। कार्तिक तो खुद ही बना लेगा, कार्तिक को तो जरूरत ही नहीं है किसी के शेक बनवाने की। कार्तिक तो खुद ही बनाएगा। कल मतलब मेरी तबीयत खराब थी तो कल घर का सारा काम आपने करा, आज आपने अपनी खुद की तबीयत खराब कर ली। घर में किसी के हो जाए ना फिर सब होता है। अब मैंने भी अब सारा अपना काम वाम करके अब फ्री हुई हूँ। अब आप बस ये खिचड़ी बना दो, सब खा लेंगे। नहीं तो मैं बना रही थी खिचड़ी, फिर आप ही बनाने लग गई। मैं फिर वो थोड़ा अपना काम का देखने लग गई थी तो, और ना मुझे लगा आपको मैं पीछे छोड़ गई। मुझे लगा आप थोड़ी देर सो रहे हो तो थोड़ी देर आपकी नींद पूरी हो जाएगी, तो थोड़ी दवाई भी ना ढंग से असर करेगी। इसलिए मैं सोच रही थी थोड़ी देर में बनाऊंगी आपके लिए जैसे उठ जाओगी, लेकिन आप खुद ही लग गई। अब बस आप खिचड़ी खा के आराम से सो जाना। मम्मी एक खुराक और लोगे अभी? एक खुराक 5 बजे आज ही ले लोगे? एक 5 बजे, एक फिर 10 बजे रात के। बस आराम आ जाएगा। ये कहाँ से आ गया बीच में? ऋषु जी गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हो आप? ठीक हूँ। क्या कर रहे तू? ये शेक बना रहा है? हाँ। ये क्या डाल रहा है तू इसमें? ओट्स हैं, दूध हैं और केले। स्मूथी बना रहा है तू तो? सुबह जिम गया था तू? शाम को जाता हूँ। शाम को? मम्मी खिचड़ी तैयार हो रही है आपकी? ये दोनों माँ बेटे ये ना इतना ऐसे ना रसोई में रहते हैं सारे दिन, ये बनाते रहते हैं सारी चीजें ऐसे, और थोड़ा थोड़ा मुझे से खिलाते रहते हैं दोनों अपनी अपनी जो चीज बनाते हैं। है मम्मी? कोई नहीं मम्मी, अब आप लेट जाओ ना। अब खिचड़ी खा गई
खिचड़ी। तो अंगूर क्यों खाया आपने? अंगूर तो खट्टे होते हैं। कार्तिक थोड़ा खा लिया कर भाई, तू पतला होता जा रहा है दिन पे दिन, मुझे बहुत टेंशन है तेरी भाई। हाँ भाई, ये क्या डाल रहा है? बादाम। बादाम किशमिश भी इसमें डालेगा? अब इसको पीसेगा सबको? रात में दूध में अलग लेगा। ये वही पे खा गया। कार्तिक को सुखा दिया। इसको पीसेगा नहीं अब तू? अरे फिर मैं इसको थोड़ी पीसूंगा, और पीसेंगे भी नहीं इतने, कम होता है दूध तो पीसता। तू खा ले। ओके मम्मी, धन्यवाद हो। आप ना संभाल लो फिर ये किचन वगैरह। मम्मी क्या कर रहे हो? खिचड़ी डाल रही हूँ बेटा। बन गई खिचड़ी आपकी? बन गई। रिच तो शायद खाएगा नहीं खिचड़ी, उसने तो शेक पिया आपने। ये आपने अपनी सैलेड काट ली? हरी चटनी बनाई है घर की? कुछ खट्टा खट्टा खाने का मन कर रहा। और वो दही है? ताजा दही होगी। तेरी डाल दी खिचड़ी। ओके मम्मी। चम्मच मम्मी मैंने वहां पे रख दी सारी। हाँ उसी में। और नहीं खिचड़ी का ना कोई टेस्ट नहीं आएगा, वो तो आपने हर चटनी बनाई है ना, तो ये सही निकला था घी है ना? कल तो सिलेंडर ही खत्म हो गया हमारा, फिर अब नया सिलेंडर लगाया कल हमने। मैं तो उस टाइम पे डॉक्टर के पास गई थी ना रेशु, और मैं तो डॉक्टर के पास थे तो फिर तब इतने में तो आपने सिलेंडर वगैरह सारी चीज कर दी थी। ये मेरी है। कार्तिक क्या कर रहा है भाई तू? कितनी देर में निकालेगा? लगेगा कि काफी कॉम्प्लेक्स चीज होती है इसे निकालने। कॉम्प्लेक्स? चक्कू मत तोड़ दियो तू। कैसे निकाले आपका? पता नहीं उसका कैसे निकाला है। कार्तिक मम्मी पूछ रही थे इसका? ये ऊपर का जो वो होता है ऊपर का पेचकस से। अच्छा, और अब ये ऐसे चक्कू? चक्कू तोड़ मत दियो तू। हाँ भाई, पेन पता नहीं निकल क्यों रहा। कार्तिक की ड्यूटी होती है, हमारे घर में कोई भी नारियल आता है तो कार्तिक ही नारियल को तोड़ के रखता है ना भाई। तो आपको कैसा महसूस होता है जब आप ऐसा करते हैं? जब आपको ऐसे जिम्मेदारी दी जाती है तो कैसा अनुभव होता है आपको? बता तू बता, तेरे को दी गई है तू बता। ये रिशु, आज आपको इतना समय कैसे लगा इसको ऐसे निकालने में? ये ऐसा काफी कॉम्प्लेक्स चीज होती है, इसे ना काफी कॉम्प्लेक्स बंदे कर सकते हैं। अभी मैं तो चलते चलते निकाल दूं। अभी मैं बिजी हूँ थोड़ी सी। मम्मी वाली बात है, मम्मी को ना कुछ भी हो मम्मी कहेगी। क्या कहेगी कार्तिक? कार्तिक क्या कहेगी? कब? मम्मी, मम्मी ने कहती ये तो 2 मिनट का काम था, मैं तो ना चलते चलते कर दू ये तो ऐसे नहीं। वही मैं बोलना आसान होता है इसका। मम्मी क्या कह रही है? तो आप मेरे को तो ऐसे बोलती हो कि तू तो लगी रहती है बस 2 मिनट का काम होता ही है, मैं चलते चलते कर दूं। नहीं पता कैसे, जो काम तेरे को दिया जाता है वो 2 मिनट का ही होता है, वो तो बहुत ही आसान काम होते हैं। अच्छा, जो मेरे काम हो गए मम्मी का, अब वो कौन? अच्छा, और कुछ? और तो यही है, थोड़ी कॉमन सेंस की कभी कभी
आपके अंदर नहीं है? नहीं, मेरे अंदर नहीं है बिल्कुल। आपके अंदर भरपूर है? भरपूर। मम्मी सुन रही हो आपने इसकी बातें, क्या कर रही है? मम्मी साथ आप ये हंस रही हो ना, तो इसको ऐसा लग रहा है कि आप साथ दे रही हो इसका। दे नहीं रहे होंगे आप। तो मैं आप इसका साथ दे रही हो या मेरा साथ दे रही हो? देखो मम्मी कैसे लड़ने आगे अपने। तो मैं लड़ रही हूँ, मैं कुछ भी करूँ, तुझे क्या इससे सेरी इशू? एक काम करियो, नारियल करने के बाद ना थोड़ी रसोई को साफ कर दियो, जो चीज रखी है ना वहाँ वो रख दियो। मम्मी रेशु ने ना ये ना छिल कर रख दिए सारे, आप ले लो इनमें से जो आपको चाहिए। मम्मी उसने ना सारा चीज कर दिया, आपको पता ही आपका बेटा है इतना अच्छा। खिचड़ी विचड़ी खा ली आपने अपनी? सही स्वाद आ गया आज दोनों माँ बेटी बेचारी बीमार बैठी है। सो गाइस मेरे बालों को पता नहीं क्या हो रखा है, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, बट इट्स ओके, इनको बाद में सेट करा जाएगा। फिलहाल मैं अपना ऑमलेट खा रही हूँ जो कि रीशु ने मुझे बना कर दिया है। रीशु ही आजकल रसोईया बन रखा है, जो भी ऑर्डर करो वो दे देता है। देखो मेरे बाल कहाँ कहाँ उड़ रहे हैं भाई, ये रुक जाओ, शांत हो जाओ। मतलब मम्मी ने भी अभी ऑमलेट खाया है जो कि कार्तिक ने बनाया था, और अब मैं खाने जा रही हूँ। हाय राम, हद हो गई इनकी। सो गाइज अब मैं बस खाना खा रही हूँ, तो फिर मैं दवाई खाऊंगी। आज तो बहुत हल्का हल्का खाना खाया है मैंने, खिचड़ी, फिर अब ऑमलेट और बीच में तनिक क्या से क्या, लेकिन आज बहुत मैंने हल्का खाना खाया है। और आज सच में ऐसा लग रहा है कि तबीयत खराब थी, तो आज मैंने तबीयत वाला मतलब तबीयत जो खराब होती है उस टाइम पर जो खाना खाते हैं वो खाया है, क्योंकि कल परसों तक तो मैं फ्रेंच फ्राइज, गोलगप्पे वगैरह बाहर के ही खा रही थी तबीयत खराब में भी, बट इट्स फाइन। आज मम्मी की ना तो घर में सबका खाना लाइट लाइट बना है कि तबीयत मम्मी की भी ठीक हो जाए, हमें भी फिर वही मिला खाने को। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। होप आपने वीडियो एंजॉय किया हो, और अगर वीडियो एंजॉय किया हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। टाटा बाय, ध्यान रखो अपना।